आयोजित आज के गूगल मीट प्रोग्राम के गेस्ट स्पीकर माननीय डॉक्टर भूपेंद्र सिंह एवं उपस्थित सभी सम्मानित चिकित्सकों का मैं डॉक्टर अंजू कुमारी प्रसाद डॉक्टर आशी अग्रवाल के साथ स्वागत करती हूँ। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह पंजाब होम्योपैथिक काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं तथा होम्योपैथिक चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में अनेक पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं। माइंड तकनीक के क्षेत्र में लंबे समय से जुड़े रहने की वजह से इनका अनुभव और सफलता का कोई मिसाल नहीं है। पिछले सेशन में इन्होंने काइफोसिस जैसी कठिन और लाइलाज बीमारी की सफल चिकित्सा के बारे में बताया था, जो काफी सराहनीय और अनुकरणीय है। हम लोग धन्यवाद ही हैं कि आज भी सर के अनुभव एवं सफलता को सुनने का अवसर मिला है। मैं सर के उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। अब मैं डॉक्टर भूपेंद्र सर से आग्रह करती हूँ कि अपना सेशन शुरू करें। वेलकम डॉक्टर भूपेंद्र सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंजू थैंक यू आज वेरी मच। का जो विषय होगा वो विषय है कि सैगल टेक्निक के ऊपर बात होगा, तो सर सैगल टेक्निक के ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे, मेरा ऐसा सर से निवेदन है। तो सर थैंक नमस्कार। यू डॉक्टर मंदप्पी। यस डॉक्टर डियर डॉक्टर संजय मंदप्पी जी, डॉक्टर आशी, डॉक्टर अशोक जी and other organizers of this webinar and dear delegates, I think it's our first meeting in this new year. So first of all, happy new year to everyone. और मैं ये दुआ करूं परमात्मा से कि जो टीम आपकी चल रही है, ये टीम ऐसे ही एक स्ट्रेंथ बन के चलती रहे, जो एक होम्योपैथी सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए जो आप काम कर रहे हैं, इट्स वेरी रियली ग्रेट जॉब। सो सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हम सब लोग प्रे करें। शायद आपको सभी को मालूम होगा डॉक्टर संजय कि हमारे बहुत प्यारे दोस्त डॉक्टर एएस मान, ही इज कंटेस्टिंग असेंबली इलेक्शन। आपको मालूम है इस बात का जी सर, जी डॉक्टर मान? हाँ सर, डॉक्टर मान हाँ जी। जो इस असेंबली में जो कंटेस्ट कर रहे हैं, तो हम सभी लोग दुआ करें कि जब डॉक्टर मान से अगली बात हो तो वो एमएलए बन के हमारे सामने आए। ये सारे हम प्रे करें। सर हम सभी की शुभकामनाएं, और हम उनको शुभकामनाएं प्रेषित कर चुके हैं। और ओके सर पंजाब में एक होम्योपैथी का प्रतिनिधित्व मिलेगा डॉक्टर मान सर के ओर से। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आज हम ज्यादा टाइम, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है 1 घंटे का, तो हम जल्दी से शुरू करेंगे। उम्मीद है कि जो लास्ट हमने किया था कॉकलस का फेस किया था, वो सभी लोगों की रूटीन प्रैक्टिस में एप्लीकेबल हो गया होगा। शुरू शुरू में कुछ फेलियर्स मिलती हैं, जैसे मैंने लास्ट आपको बोला था कि आई एम द फॉलो ऑफ गुरु नानक देव जी, और गुरु नानक देव साहब पातशाह ने जो गुरु का दर्जा दिया, वो शब्द को गुरु का दर्जा दिया। शब्द मीन्स वर्ड्स। एक वर्ड को गुरु का दर्जा दिया, एक वर्ड। और सिमिलरली इन दिस सिस्टम, इन सैगल सिस्टम, दिस इज द गेट। इधर से उधर हो जाती है बात। मैं डॉक्टर आशी का, डॉक्टर आशी प्लीज डोंट माइंड, मैं बात वहीं से शुरू करूंगा। जैसे उसने पोस्ट, डॉक्टर आशी ने पोस्ट डाली हुई थी कि कैसे ये सिस्टम देखने में सुनने में बहुत आसान लगता। अगर हम शब्दों की बात करें तो इट्स वेरी रियली इट्स वेरी इजी एज वेल एज वेरी टफ एंड वेरी डीप सिस्टम। उतना आसान नहीं है, क्योंकि एक शब्द से टोटल इंटरप्रिटेशन बदल जाती है, उसके मीनिंग चेंज हो जाती है।
जैसे मैं देख रहा था व्हाट्सएप पे कि उन्होंने लिखा था अवार्ड विनिंग, डॉक्टर आशीष यही लिखा था ना, अवार्ड विनिंग। हम यहीं से विनिंग से ही बात शुरू करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज द गेम ऑफ वर्ड्स। जो एक वर्ड को इधर उधर कर देंगे तो हम देखेंगे कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ विनिंग। हर हर वर्ड के पीछे एक मेंटल स्टेट है। विनिंग विनिंग और एक इसका जो रेगुलर वर्ड है, अटेन और अचीवमेंट। ऐसे डॉक्टर मान, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं कि डॉक्टर मान इज कंटेस्टिंग असेंबली इलेक्शन फॉर विनिंग। बिहाइंड विनिंग व्हाट्स द प्रोसेस? यू हैव टू डिफीट समवन, यू हैव टू डिफीट योर राइवल। और दूसरा जो वर्ड था, सेकंड वर्ड इज अटेन और अचीवमेंट। इसका मतलब है टू सक्सीड इन गेटिंग समथिंग आफ्टर ए लॉट ऑफ एफर्ट्स। एफर्ट्स विनिंग के पीछे भी है, एफर्ट्स अटेन के पीछे भी है, एफर्ट्स फिनेटिक के पीछे भी है, और एफर्ट्स जो अम्बिशन के पीछे भी है। लेकिन इन सभी का मतलब, इस सभी के पीछे एक अलग अलग मेंटल स्टेट काम करती है। किसी को विन करना है तो उसको डिफीट, दूसरे को डिफीट करना पड़ेगा। अगर किसी को कुछ चीज अटेन करनी है, कुछ अचीव करनी है, तो उसके लिए उसको एक अनटायर्ड एफर्ट्स करनी पड़ेगी। इसको कि हम कैसे समझते हैं, मैं आपको एक बात बतानी चाहूंगा कि एक कोच है, आपको कोचिंग दे सकता है, आपको कोचिंग दे सकता है कि हाउ टू स्विम, हाउ टू स्विम, कैसे तैरना है। उसके बाद वो आप पे डिपेंड करता, आपकी आर्ट है, आपकी एबिलिटी है, आपका एनर्जी लेवल है, आपकी एफर्ट्स है, कि उस विनिंग को आप स्विमिंग को किस लेवल तक लेके जाते हैं। सिमिलरली जब हमने डॉक्टर सैगल को हमने जब फॉलो करना शुरू किया, तो शुरू शुरू में हमारे मन में बहुत सवाल थे। मैं आज, मेरे पास फोटो, मैं कोशिश करूंगा कि जो मैंने पहला केस, जो फर्स्ट केस सॉल्व किया था, उस केस का भी मैं जिक्र करूंगा कि कैसे हम एकदम, जो एक टर्निंग पॉइंट बन गया हमारी प्रैक्टिस का वो केस। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि मैं सिर्फ आपको ये सिखा सकता हूं कि किसी बात को समझना कैसे है, और फिर रूब्रिक्स को पढ़ना, रूब्रिक्स की स्टडी करना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक उसको ले जाते हैं, आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी आर्ट क्या है, आप में आपकी एफर्ट्स कैसी है, आपकी कोशिशें कैसी है। एक छोटा सा केस, जैसे मैं, मेरे को डॉक्टर संजय पूछ रहे थे कि टॉपिक क्या रहेगा। मैं आपको सही बताऊं कि मेरे को एंड तक ही खुद को मालूम नहीं होता कि मैं किस सब्जेक्ट पे बोलने वाला हूं, क्योंकि मैं सिचुएशन को वाच करता रहता हूं कि कैसी सिचुएशन बन रही है, कैसे जो प्रेजेंट जो ऑडियंस कैसी है, तो उसी लेवल से मैं बात करनी शुरू कर देता हूं। आज भी मैं क्लियर नहीं था कि कहां से बात शुरू करूंगा, तो जब मैंने स्टेटस पढ़ा कि प्राइज विनर, तो फिर मेरे को एक आइडिया आया कि यहीं से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर सैगल जो सिस्टम है वो तो शब्दों पे टिका हुआ है। बिल्कुल, मैं एक छोटा सा एक केस आपको बताता हूँ, लेटेस्ट केस। उससे पहले मैं, जैसे कोविड के केसेस बहुत आ रहे थे, कि हमने बात को समझना कैसे, उसके पीछे मेंटल स्टेट क्या काम कर रही है। एक बच्चा था छोटा सा, करीब 3 साल का, उसको काफी फीवर आता था, लेटा रहता था। अदरवाइज बाय नेचर इज वेरी नॉटी, बहुत शरारती है, बहुत दूसरों को
चिढ़ाता बहुत है, दूसरों को तंग बहुत करता है। तो वो ड्यूरिंग फीवर वो लेटता था, जब उसकी उसकी बड़ी सिस्टर उसके पास बैठती थी तो उसके साथ वो शरारत करता था, उसको शरारत खुद करता था और फिर अपनी मदर को आवाज लगाता था कि मम्मी इसको हटा लो, ये मेरे को तंग कर रही है, नहीं तो मैं इसके मारूंगा। बस सिर्फ यही केस था कि मम्मी इसको हटा लो, नहीं तो मैं इसके मारूंगा। किसी को ये वर्ड समझ आ रहे हैं कि हम कहाँ इसको विपरीत में कैसे ले जा सकते हैं और उसकी स्टेट क्या है, उसकी मेंटल स्टेट क्या है? डॉक्टर आशी, कोई कोई डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे को काइंडली थोड़ा हेल्प करें कि हम क्या सोच सकते हैं इसमें। अगर इस बात को हमने समझ लिया कि मम्मी इसको हटा लो, नहीं तो मैं इसके मारूंगा, तो सीधी मेडिसिन है, और वही मेडिसिन मैंने दी और एक दिन में वो केस ठीक हुआ था कोविड का। सर थ्रेटनिंग लग रहा है थ्रेटनिंग है, और ठीक है। गुड। फीनिंग फीनिंग भी लग रहा था जैसे, और बहुत शरारती है, हाईली एनर्जेटिक है। एनी हाँ अदर सर? मैनिपुलेटिव। मैनिपुलेटर। और गुड। हम मैंने पहले भी कहा था कि हम एक फैमिली हैं, ये मत सोचो कि मैं बोलूंगा गलत हो जाएगा तो दूसरे क्या सोचेंगे, हम सब एक जैसे हैं। मैं भी जो पढ़ लेता हूँ वो बता लेता हूँ, मेरे को कुछ नहीं अल्टरनेट आता। स्टेट भी है सर, अल्टरनेट अल्टरनेट। स्टेट। अल्टरनेट स्टेट, ठीक है, ओके, गुड एफर्ट। सर मूड रिपल्सिव। मैनिपुलेटिव मोड रिपल्सिव मैनिपुलेटिव, यस। एनीवन? डॉक्टर नरेंद्र कहाँ हो? सर शायद वो डिस्टर्ब फील कर रहा है। हाँ जी, हेलो, क्या कर रहा है? हेलो, डिस्टर्ब फील कर रहा है वो सिस्टर से डिस्टर्ब शायद। डिस्टर्ब। हाँ मैंने जैसे, अब सुनिए, ठीक है, गुड एफर्ट्स फ्रॉम एवरीवन। क्यों, वो क्या कह रहा है कि मम्मी इसको हटा लो, ये क्या है, ये कंप्लेंट है, ये उसकी कंप्लेंट है कि ये मेरे को तंग कर रही है, राइट? हमें क्लियर? वो मम्मी को शिकायत कर रहा सर है कि ये मेरे को तंग कर रही है, और साथ में क्या कह रहा है कि इसको हटा लो, नहीं तो मैं मारूंगा, नहीं तो मारूंगा, ये क्या है, ये थ्रेट है, कंप्लेनिंग थ्रेटनिंग। कंप्लेनिंग एंड थ्रेटनिंग, वी हैव ए रूब्रिक, कंप्लेनिंग एंड थ्रेटनिंग। There is single medicine tarantula, and the same was given to him. और एक शब्द को समझा, बस ये शब्दों का हेर फेरा, अगर हमने इंटरप्रिटेशन हमारी ठीक होगी तो डायरेक्ट राइट मेडिसिन पे पहुंचेंगे, अगर इंटरप्रिटेशन हमारी गलत होगी तो फिर कहीं हम मिसलीड हो जाएंगे। शरारती है, मिस्चीवियस है टेरेंटुला, और वो शरारत क्या करता है कि वो छेड़ता खुद है, और फिर ये उसकी गेम है। अगर हम प्लेफुलनेस को समझे तो प्लेफुल क्या है, प्लेफुल यही है कि दूसरों के साथ वो खेलता है। दिस डजंट मीन ओनली स्पोर्ट्स और गेम्स, ये दूसरों के साथ खेलता है, गेम खेलता है दूसरों को तंग करने के लिए। टेरेंटुला एंड लेक्सिस, दोनों की गेम, दोनों की प्लेफुलनेस दूसरों को तंग करने के लिए है, राइट? और ये खुद छेड़ता है, और जो दूसरा रूब्रिक है उसमें कनिंगनेस है, कनिंग एंड डिस्ट्रक्टिव, उसको खुद चींटी काट लेता है और फिर बोलता है मामा इसको हटा लो, नहीं तो मैं मरूंगा, ठीक है। बहुत चालाक है, बहुत कंप्लेनिंग और बहुत थ्रेटनिंग है, ये टेरेंटुला का फेज है, बहुत प्रोमिनेंट फेज है। और टेरेंटुला का एक मोस्ट प्रोमिनेंट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूब्रिक का किसी कोई बोल सकता है? टेरेंटुला का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। सर म्यूजिक लविंग, डांसिंग एंड म्यूजिक लविंग। थ्रेटनिंग ऑफ डांसिंग, म्यूजिक, यस यस, डांसिंग एंड म्यूजिक, डांसिंग एंड म्यूजिक, डांसिंग म्यूजिक गुड एंड थ्रेटनिंग। गुड। हाँ, एंड थ्रेटनिंग एंड कंप्लेनिंग, वो उसकी गेम है, वो उसका डांस बहुत हाँ। एक रूब्रिक और इसमें टेरेंटुला का है, वेर टेरेंटुला इज सिंगल, स्ट्राइकिंग ऑब्जर्व्ड व्हेन नॉट,
स्ट्राइकिंग ऑब्जर्व व्हेन नॉट, इसके पीछे वही मेंटल स्टेट, वही कनिंगनेस वाली आ जाती है. कनिंग इन ओल्ड बुक्स देर वॉज सिंगल मेडिसिन, कनिंग एंड डिस्ट्रक्टिव. कनिंग का अगर मतलब हम लें तो कनिंग का मतलब ही डिस्ट्रक्शन है. दैट इज सेकंड सेकंड मीनिंग इज डिस्ट्रक्शन. कनिंग एंड डिस्ट्रक्शन. देर इज इन ओल्ड बुक्स देर वॉज सिंगल मेडिसिन टेरेंटुला. फ्यू अदर मेडिसिन हैव बीन एडेड इन न्यू बुक्स. एक मैं छोटा सा केस आपको दिखाता हूँ. वो केस मैं आपको थोड़ा बता दूं बिकॉज द वीडियो इज इन पंजाबी. उसको फीवर आ रहा है दो दिन से, बहुत सीवियर सर्वाइकल पेन है और सीवियर नोजिया है एंड वेरी सीवियर बर्निंग इन एपिगैस्ट्रिक रीजन विच इंडिकेटिंग टू हाइपर एसिडिटी. ये केस है. और उस केस के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि अगर उसको आपने सही ऑब्जर्व कर लिया तो हम वेरी इजीली मेडिसिन पे पहुंच जाएंगे. और उसका जो फॉलो अप था जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर यू विल सी दी फॉलो अप कि हम कैसे समझना कैसे है. मैं बार बार कह रहा हूं कि हम सिर्फ एक ड्राइवर है, वो सिर्फ ये सिखा सकता है कि गाड़ी चलाने की टेक्निक क्या है. वो रोड मैप कभी नहीं दिखा सकता आपको कि ये रोड कहाँ से जाएगी कहाँ जाएगी. ठीक है, वो आपकी अपनी काबिलियत है. कोई बहुत आगे भी जा सकता, कोई बहुत पीछे भी रह सकता. ये एक रेस है, वो अपनी अपनी काबिलियत पे डिपेंड करता है कि हमारी एबिलिटी क्या है, हमारी आर्ट क्या है. तो अगर उस हमने सही ऑब्जर्व कर लिया तो सभी प्लीज उसको अच्छी तरह देखेंगे. मैं दो बार दिखाऊंगा, छोटी सी वीडियो है. तो वो कहती क्या है, जब मैंने उससे सवाल पूछा वो क्या कहती है, मैं साथ साथ में वो ही बताता जाऊंगा. कंसंट्रेट कीजिए भाई. सर्वाइकल है, नोजिया हो रहा है. सर्वाइकल
हाइपर एसिडिटी हो रही है। लास्ट नाइट मेरे को थोड़ी छींक आई, स्नीजिंग हुआ, उसके बाद फिर जलन होनी शुरू हो गई, बुखार हो गया और सर्दी लगनी शुरू हो गया, सीवियर नोजिया हो रहा है। यस बोलने को मन नहीं करता, बिल्कुल बोलने को बिल्कुल मन नहीं करता। सर, पेशेंट की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ, वो कह रही है कि अगर मैं लेट जाऊं तो मन करता है कि लेट ही रहूं, अगर मैं बैठ जाऊं तो मन करता है कि बैठ ही रहूं, और कोई बुलाए ना मेरे को। ये केस था। तो क्या क्या सोच सकते हैं हम? मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर ऑब्जर्वेशन आपकी राइट रहेगी तो राइट मेडिसिन पे पहुंचेंगे। जेल्सीमियम सर, जेल्सीमियम, अरे कहां, हाँ बेडरिमेन डिजायर सर, मेनिंग गट हम बैठे सर, ठीक है, मेडिसिन पे मत डिस्टर्ब पहुंचो। अवर स्विंग सर, डिस्टर्ब अवर्स टू क्वाइट डिस्टर्ब वन अवर्स टू टू बी क्वाइट वांट्स टू रिपोज बी एंड ट्रैंकिलिटी ट्रैंक्विलिटी डिजायर। रिपोज एंड ट्रैंकुलिटी। इसमें रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर और क्वाइट वन टू बी डिस्टर्ब अवर स्विंग, यस ओके। डिस्टर्ब एवर्शन टू, हाँ जी, डिस्टर्ब एवर्शन टू, हाँ, डिस्टर्ब अवर्शन इसमें देर आर डिस्टर्ब वर्षन में कितनी मेडिसिन है? हाँ स्पोकन टू बीइंग एवर्जन, जी, यस सर, स्पोकन टू बीइंग एवर्जन, स्पोकन, हाँ, वर्षन टू बीइंग स्पोकन, ओके, गुड टॉक एफर्ट, इनडिस्पोज्ड टू, टॉकिंग इंडिस्पोज टू टॉक, ओके गुड, वेरी गुड। और फियर सेल्फ कंट्रोल ऑफ लूजिंग, फियर सेल्फ कंट्रोल ऑफ लूजिंग, वेरी नियर, ना वेरी नियर, बहुत अच्छा, गुड एफर्ट। रिफ्यूज टू बिल मसल्स चलो मैं आपको दोबारा सर, दिखाता हूँ वीडियोस टॉर्टोइज में को। मेन चीज है क्लींजिंग हु पर्सन और फर्नीचर, टोल्ड, हु टोल्ड दिस टॉपर्स? यस डॉक्टर जसवाल दोबारा बोलिएगा प्लीज, आपने कुछ कहा था। टॉर्पर, टॉर्पर मैंने बोला था, टॉर्पर इसमें है जो यस यस, वेरी गुड, आपने पहले दिस भी इज पढ़ाया था पिछली बार टॉर्पर जेलसी में हमने टॉर्पर। सर देखो देखो, मैं इसीलिए इस केस को चुना कि जी ये बैड डिजायर के साथ कंफ्यूज कर रहा है। उसको देखिए, उसको एक बार फिर देखिए अच्छा से। दोबारा लाओ, लेकिन सर पूरा टॉर्पर की कंडीशन नहीं लग रही है। आया था मन में लेकिन वो उठ रही है, टॉर्पर में इतना वो वीक हो जाता है। ठीक है, ये खुद बहुत ये अच्छा, पहले तो जैसे देखा तो वो पहले सो रही थी, लेकिन जब आपने पूछा तो वो थोड़ी उठ गई, खुद से होके उठ गई। गई ना, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन आपकी, लेकिन अब वो थोड़ा थोड़ा फॉरवर्ड कर। हाँ, उसमें जो बस हमें हमें यही चीज सीखनी है, ठीक है ना, कि उसके चेहरे पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? एंग्विश है सर, एंग्विश है, गुड, ये कैसे मिस कर गए आप? और वो बैठी ये कैसे है, वो बैठी कैसे है? वो अरे सहारा सहारा लेकर बैठी है सर, लेके, सहारा लेके बैठी है, गुड। नाउ हाँ, अब सुनिए, अब सुनिए, होल्ड वांट्स टू बी, ठीक है, वो एक स्पोर्ट लेके बैठी हुई है, ठीक है,
एंग्विशनेस एंड टॉर्पोर, दिस स्टेट इज टॉर्पोर। टॉर्पोर कसम भी इनके में उठ ही नहीं सकेगा, वो तो पैरालाइज हो गया, वो तो पैरालाइसिस में चला गया, अगर उठ ही नहीं सकता। टॉर्पोर तो जैसे भी उठता है ना, उठता है स्पोर्ट लेके उठता है, कोशिश करके उठता है, एफर्ट्स के साथ उठता है, पर जब उसको ये लगता है, जब उसका ध्यान उधर जाता है तो वो फिर गिर जाता है एकदम। वो स्पोर्ट लेके बैठी हुई है, उसके चेहरे पे एक पेन, बिल्कुल क्लियर क्लियर पेन इज देयर। होल्ड वांट्स टू बी एंग्विशनेस, टॉर्पोर एंड क्वाइट वांट्स टू बी। अगर अगर हम ये चार रिवर्स को हम करते हैं तो इसमें दो मेडिसिन आती हैं, जल्थीमी एंड प्लम्बो मेटेलिकम। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। हमारे गुरु ने, हमारे मास्टर ने जो हमारे को सिखा दिया, उसने ये कहीं नहीं बोला कि उसके आगे नहीं जाना, उसने हमें एक रास्ता दिखाया। जैसे मैंने आपको बताया कि एक कोच ये सिखा सकता है कि बॉल कैसे फेंकनी है, उसके बाद आपकी आर्ट कैसे गाड़ी ड्राइव करनी है, उसके बाद आप कहाँ जाते हो, क्या अचीव करते हो, ये आपकी आर्ट है, ठीक है। तो इसमें दो मेडिसिन है, प्लम्बो मेटेलिकम, और एक चीज जो उसने बताई थी मेरे को जो इस वीडियो में नहीं है, मैंने उसकी मदर से पूछा, तो ये कहती है कि ये किसी को पास नहीं बैठने देती अपने। तो मैंने कहा भी आपको पास बैठने से क्या दिक्कत होती है, हम ये नहीं कि सिर्फ ऑब्जर्व किया और जो पेशेंट ने बोला वो उसको फटाफट रिब्रिक्स में कन्वर्ट किया और मेडिसिन दे दी, ऐसा नहीं, ऐसा करना भी नहीं है। उसको समझने की कोशिश करना है कि उसके पीछे सिचुएशन क्या है। तो जब मैंने उसको पूछा कि आप पास क्यों नहीं बैठने देती, बोलती है कि ये मम्मी अपनी सजेशंस देती रहती है कि ये कपड़ा ऊपर ले लो, तेरे को और ठंड लग जाएगी, अब तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है तो उठ के खा लो कुछ, तेरे को नहीं तो तेजाब ज्यादा बन जाएगा। तो ये था, ये चीज उसको तंग करती है। इसको हम क्या सोच सकते हैं, डिस्टर्ब योर स्विंग सर, और आइडिया विल नॉट टेक करके कुछ खा लेने को। इसमें मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हम सीधी इरिटेबल, तो वो उसने बोला नहीं कही कि मैं इरिटेबल होती हूँ। इरिटेबिलिटी तो एक टोन है ना, एक शार्प टोन हो जाती है कि क्यों तंग कर रही हो, ये इरिटेबिलिटी है। मम्मी क्यों तंग करती हो बार बार, है ना, ये इरिटेबिलिटी है। वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि ये कुछ ना कुछ कहते रहते, सर्दी सर्दी कर, तुम ऊपर चादर ले लो नहीं तो ठंड लग जाएगी ऊपर। सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, हाँ अब ठीक है सर, केयर ट्रैवल। अरे मैं आपको आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो आपका कैलिबर है ना, जब हमने डॉक्टर सैगल साहब को फॉलो शुरू किया था तो हमारा हमारे लिए ये सारी चीजें नई थी, बिल्कुल हमने कही तो वर्ड्स ही नहीं सुने थे, ठीक है ना, तो बिल्कुल एक नया आइडिया था। अब तो आप थोड़ा मोटा, आपका कैलिबर तो बहुत अच्छा है हमारे से, तो फिर भी इस चीज को समझने की कोशिश करो कि वो कहती क्या है। लाइट डिजायर, ये लाइट डिजायर, यस। इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूँ आपको, कि आप वही लगाएंगे जो आपको आता। हम भी ऐसे ही करते थे, जो हमको आता, जो हमने सुना होता तो वो लगाते थे, फिट कर देते थे, वो हमारे स्टार थे कि हम चलते गए फिर भी चलते गए, गलत करते गए फिर भी चलते गए, राइट। तो वो क्या कह रही है कि ये बार बार कहते हैं, वो सजेशन दे रहे हैं, सजेशन के साथ वो क्या क्या कह रहे हैं कि ऊपर ले लो नहीं तो ठंड लग जाएगी, खा लो नहीं तो तेजाब बन जाएगा, ये क्या है। वो सिर्फ सजेशन नहीं दे रही, उसको उसको वार्न भी कर रही है, ठीक है ना, एडमोनिशन है सर, एडमोनिशन, दिस इज एडमोनिशन, गुड। हाँ अब अगर अगर हम एडमोनिशन लगाएंगे तो प्लम्बो मेटेलिकम इज द मेडिसिन नॉट जेलसीमियम, लेकिन हमें फिर समझना है कि ये एडमोनिशन है या डिस्टर्ब वर्शन है, ठीक है। तो इसका फॉलो अप देखिए, इस चीज को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना है, नहीं तो हम लंबा हो जाएगा, नहीं तो जो मिथ बना हुआ है ना कि होम्योपैथी बहुत स्लो स्लो काम करती है, बहुत धीरे काम करती है, वो मिथ बना ही रहेगा।
अगर हम क्लियर कर लेंगे तो उससे निकल जाएंगे हम बिल्कुल। पहले सिर में उठा नहीं सकती थी, अब मैं सिर उठा सकती हूँ। आपको ये मैं बता दूं, ये सिर्फ आधे घंटे बाद का वीडियो है, जो मेडिसिन फर्स्ट मेडिसिन दी थी उसके आधे घंटे बाद का वीडियो है ये। पहले मैं सोने की कोशिश करती थी लेकिन मेरा दिमाग चले जा रहा था। अब मेरा मन करता है कि मैं सो जाऊंगा, मेरे को नींद आ रही है, मैं सो जाऊं। रेस्ट डिजायर। मैंने उससे पूछा कि कितनी खुराक के बाद आपको फर्क पड़ गया था, तो वो बोल रही है कि पहली खुराक के बाद ही फर्क पड़ गया था मेरे को। अब दो दिन बाद का वीडियो देखिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, चेंज लग रही है ना? यस सर, शी इज क्वाइट हैप्पी एंड चीयरफुल। हैप्पी एंड चीयरफुल। और आधे घंटे के बाद का जो वीडियो देखा आपने, कभी सोच सकते हैं कि कभी एलोपैथी लेके भी इतने आधे घंटे के बाद इतनी ड्रास्टिक चेंज आएगी पेशेंट में? बिल्कुल, हु वाज इन टॉर्पर स्टेट, हु वाज नॉट एबल टू सिट विदाउट विदाउट सपोर्ट। और कभी ये सोच सकते हैं? हाँ, अब इसको हमें मेरे मेरे सामने ये था, बस एक ही था कि टॉर्पोर एंड एल्विशनेस वाज वेरी क्लियर एंड क्वाइट वाज टू बी वेरी क्लियर। तो मेडिसिन आ रही थी तो मेरे को ये क्लैरिफाई करना था कि ये इज इट डिस्टर्ब अवर्शन और इज इट एडमोनिशन एग्रावेशन, ठीक है, करना चाहिए कि नहीं। तो yes, उसकी जो पहली वर्शन थी कि अगर मैं बैठ जाऊं तो मन करता है कि बैठी ही रहूं, अगर मैं लेट जाती हूं तो मेरा मन करता है कि लेटी ही रहूं, ये दिस इंडिकेटिंग इट वाज डिस्टर्ब ओवर्शन टू। एंड कैल्शियम 30 वाज गिवन टू हर, 3 डोजेस, और वो कह रही है कि फर्स्ट। हाँ, अगर ये एडमोनिशन होता, डिस्टर्ब ओवर्शन नहीं होता, तो डेफिनेटली मेडिसिन पास प्लम्बम अटैक का। एंड सर प्लम्बम फेनिंग सिक में भी है, फेनिंग सिक में भी है प्लम्बम, ठीक है। जेलसेमियम फेनिंग सिक में नहीं है। प्लम्बम और जेलसेमियम को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? एक्चुअली में क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बोलिए। जेल्स में सर मेन जो रहेगा ना वो फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल रहेगा। टॉर्पोर में रहता ही है, टॉर्पोर में ये कंट्रोल लूजिंग तो रहता ही है। मैं आपको बताता हूँ कि जेलसीमियम का जो दोनों पैरालिटिक मेडिसिन है, जेलसीमियम एंड प्लम्बम मेटेलिकम, ठीक है। जो जो बात मैं कह रहा हूं कि हमारे मास्टर ने कहीं नहीं कहा कि इसके आगे शब्दों के आगे मत जाओ, शब्द हमारा बेस है और उसे ढूंढना क्या है, मेंटल स्टेट, और मेंटल स्टेट के पीछे हम पैथोलॉजी भी अगर ढूंढ ले तो और ज्यादा पक्का हो जाता है। जेलसीमियम का मेन इफेक्ट कहाँ पे है, बॉडी के किस पार्ट पे ज्यादा? नर्वस सिस्टम पे सर। नर्वस सिस्टम, मोटर नर्वस सिस्टम पे, स्पाइनल कॉर्ड नर्वस, मोटर नर्वस सिस्टम पे। उसका इफेक्ट जो मोटर नर्वस सिस्टम पे होता है तो पैरालिटिक कंडीशन में चला जाता है। और जो प्लम्बम मेटेलिकम का जो इफेक्ट होता है वो ब्रेन और स्पाइन के
डिजनरेशन होती है उसमें. दैट्स व्हाई ही गोज इनटू टॉर्पर स्टेट. वो होल्ड दोनों नहीं कर पाते. अगर ब्रेन के सेल डिजनरेट होंगे, स्पाइन के सेल डिजनरेट होंगे, तो भी पैरालिटिक कंडीशन आएगी और होल्ड नहीं कर पाएगा. अगर ये मोटर नर्वस सिस्टम पैरालाइज्ड होगा, अफेक्टेड होगा, तो भी वो होल्ड नहीं कर पाएगा. बस ये तो ऐसे ही आ गया केस बीच में, क्योंकि कोविड का चल रहा है. कोविड का जो बहुत वहाँ आपके यहाँ तो पता नहीं कितने चल रहे हैं, लेकिन पंजाब में बहुत है केसेस, मतलब ये काउंट होते ही नहीं है. तो हमें वर्ड्स के थ्रू मेंटल स्टेट को समझना है कि उसकी स्टेट क्या है. उसको बहुत मिन्यूटली थोड़ा थोड़ा, अगर एडमोनिशन है तो प्लम्बो मेटेलिकम है, अगर डिस्टर्ब ओवर्शन है तो वही केस जेथीमिम का, राइट? Is it clear? प्लीज रिपीट करेंगे सर, प्लम्बम और जलसीमियम का जो नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट आपने बताया. सॉरी सर, क्लियर नहीं हुआ. इसमें इसमें जो जलसीमियम है, जलसीमियम में मोटर नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होता है, इसीलिए उसमें नर्वस टेम्परामेंट की है जलसीमियम, इसीलिए वो एग्जामिनेशन के दौरान इतना एंटीसिपेशन एंग्जायटी के लिए बहुत प्रोमिनेंट रखा है कि उसका नर्वस सिस्टम, मोटर नर्वस सिस्टम बिल्कुल शेक हो जाता है, उसमें ट्रेवलिंग शुरू हो जाती है. तो देन सेंस ऑफ लूजिंग सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है उसमें, और उसमें जो पैथोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, उसमें डिजनरेशन होती है ब्रेन की और स्पाइन की, उसकी वजह से वो सेल्फ कंट्रोल लूज करना शुरू करता, तो वो टॉर्पर स्टेट में चला जाता है. उसमें सेल ब्रेक डाउन होते हैं, उसमें नर्वस मोटर नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होता. और बहुत से, अगर हम, ये जरूरी नहीं है, ये तो मैंने आपको एक डीप पैथोलॉजी लेवल पे बता दिया. जो प्लम्बम का क्या है, प्लम्बम में कॉन्स्पिरेसी फियर बहुत है कि उसका एवरीबॉडी इज सराउंडेड विद मर्डरर्स. उसमें बिल्कुल एक अलग हो जाता है. अगर हम सेकंड फेज में चले जाएं, ये तो एक फर्स्ट फेज था जो थोड़ा रिजेंबल कर रहा है. अगर हम उसकी सेकंड फेज वाली पिक्चर देखें तो प्लम्बम और बिल्कुल डिफरेंट मेडिसिन है. बिल्कुल जलसीमियम एंड प्लम्बम कहीं नजदीक ही नहीं आएंगी. तो वो आप देखिएगा, कुछ होमवर्क भी चाहिए ना आपको. थैंक यू सर, जरूर सर. वो दूसरा फेज देखेंगे ना. यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर हम कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसका मतलब ये भी हो सकता है, तो उसका एज होल, उसका टोटल केस फिर देखो. तो वो क्या कह रही है, उसके यहाँ से हमने डिस्टर्ब ओवर्शन उठाया कि वो एक स्टेट में कंफर्टेबल हो जाती है, तो उस स्टेट से उसको मूव करने का मन ही नहीं होता, ना मन होता है ना हिम्मत होती है. अगर मैं बैठ जाती हूँ तो फिर मेरा लेटने का मन नहीं होता, तो वो इतनी एफर्ट भी नहीं कर सकती, वो डिस्टर्ब होती है उसे. When she feels in sitting position, when she feels comfortable, तो वो उस कंफर्ट को लूज नहीं करना चाहती. बस यही जलसीमियम का जो फेज है. एक डॉक्टर सहगल साहब ने इसमें अलग क्या बताया हमें, आप इस बात को पहले भी मैंने फर्स्ट क्लास में जिक्र किया था, अब एक बार फिर उसको क्लियर करते हैं. थोड़ा रिव्यू होता जाएगा तो आपको यूज टू हो जाएगी. सपोज जैसे उसने लास्ट वाली वीडियो में इसी बार लुकिंग cheerful, तो उसमें क्या कहा कि आप, you are not available here. तो मेरे को आपकी रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि आपके बेटा, आपके बेटे बैठे हैं, उससे मेडिसिन ले लो. तो मैंने उसको कहा, मैं चली भी गई अंदर कैबिन में, चली भी गई उनके पास, और मैंने बोला मेडिसिन दे दो, ठीक तो मैंने होना नहीं है, किसी और की मेडिसिन से, ठीक है. तो डॉक्टर सहगल साहब ने अलग कह दिया कि, मतलब इतनी डीप स्टडी हम सोच ही नहीं सकते कभी, कि एक डॉक्टर के पास वो पेशेंट मेडिसिन दे रहा,
कहीं उसको ये लगने लगता है इफ द पेशेंट इज बिलोंगिंग टू जर्सीमियम, कहीं उसको ये लगने लगता है कि अब डॉक्टर पहले वाला कॉन्फिडेंस डॉक्टर में नहीं है, जो पहले जो फर्स्ट टाइम मेरे को अश्योर किया था कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो जर्सीमियम में क्या है कि डॉक्टर सैगल साहब ने एक रूब्रिक दिया, लाइट डिजायर पॉजिटिव, लाइट डिजायर पॉजिटिव, एंड दैट रूब्रिक वॉज फॉर जर्सीमियम ओनली। कि उसको जब एक पूरी अश्योरेंस मिल गई कि आप ठीक हो जाओगे, तो वो क्लिंक कर गया उस डॉक्टर के साथ। अब जब तक डॉक्टर साथ डॉक्टर उसको जवाब नहीं देगा, जब उसको ये एहसास होता है कि अब डॉक्टर में भी वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा जो मेरे को पहले, जो इंश्योरेंस मेरे को पहले मिली थी, तो वो स्कीम बनानी शुरू कर देता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो सडन डॉक्टर नहीं चेंज करेगा, वो डॉक्टर किस कंडीशन में चेंज करेगा जब उसको ये लगेगा कि जो उससे बढ़िया डॉक्टर मेरे को एक अवेलेबल हो रहा और वो मेरे को मतलब मैं उसके ट्रीटमेंट से ठीक हो जाऊंगा। जब उसको ये होप मिलेगी जिस डॉक्टर से वो मेडिसिन ले रहा उससे बढ़िया अगर वो उसको मिलेगा तो उसको छोड़ेगा नहीं, तो उसको छोड़ेगा नहीं। यही किस्टा वर्षन है, यही जल्दी कह के एक स्पोर्ट उसको लूज हो रही है, जब तक दूसरी स्ट्रांग स्पोर्ट उसको मिलेगी नहीं, उस पहले वाली स्पोर्ट को वो छोड़ने का रिस्क नहीं लेगा। जेलसीमे में अश्योरेंस चाहिए कि उसको ठीक हो जाएगा, और हायोस में हायोसाइनस में गारंटी चाहिए, वो मांगेगा गारंटी कि डॉक्टर साहब आप मेरे को गारंटी देते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर गारंटी मिलेगी तो वो वहां से इलाज शुरू करेगा, अगर गारंटी नहीं मिलेगी तो हायोसाइनस वाला इलाज नहीं शुरू करेगा। ये जेलसीमियम का जो फेज है कि एक पहले से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगी तो वो पहले वाली सपोर्ट को छोड़ेगा, नहीं तो पहले वाली सपोर्ट को वो छोड़ने का रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि बिकॉज देयर इज फियर ऑफ फॉलिंग एंड फियर ऑफ लूजिंग सेल्फ कंट्रोल एंड फियर ऑफ इंजर्ड बीइंग, ये चीजें उसको छोड़ने नहीं देती है उस सपोर्ट को। Am I clear? सर जी एक मिनट की क्वेरी है। बेड डिजायर रिमेन इन बेड और टॉर्पर, इसमें कंफ्यूजन रहता है कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करें। इसमें इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बेड डिजायर इसको समझे, व्हाट्स डिजायर, मेरी इच्छा है कि मैं लेटा रहूं। तो हम जब पेशेंट से सवाल पूछते हैं को जब लेटने को मन करता तो लेट जाते हो, नहीं नहीं सर लेटा कहाँ जाता, इतनी जिम्मेवारियां, इतना इतना परिवार, इतना बिजनेस, अगर लेटे रहेंगे तो खाएंगे कहां से। वो तो एक डिजायर है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो लेटेगा, इज इट ओके। और टॉर्पोर है, उसमें उठने की हिम्मत ही नहीं है, वो तो लेटेगा ही लेटेगा, ठीक है। गारंटी चाहता है, क्यों चाहता है गारंटी? क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकता हायोसाइनस वाला। उसको क्या होता ना, सपोज मैं आपको एक केस बताता हूं, बीच में ये आ गया, मेरे पास एक पेम्फिगस का केस था, वो एक बहुत रिनाउंड होम्योपैथ था हमारे एरिया के, डॉक्टर चैटर्जी साहब, उनसे वो मेडिसिन ले रही थी करीब 3 साल से। अब उसका फादर मेरे पास आता, उस लड़की का वो मैरिड कहीं और है, और उसका फादर कह रहा है कि तू इस डॉक्टर से मेडिसिन ले ले, ये डॉक्टर अच्छा है और नजदीक भी है, अप्रोचेबल भी है, और इनका एक्सपीरियंस ज्यादा इन इन बीमारियों में। लेकिन वो वहां छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कह रही थी कि मेरे को 20-30% आराम था, 3-4 साल में 20-30% रिलीफ था, और वो ये कह रही थी कि उस डॉक्टर को मेरी पूरी समझ आए, अगर मैं नए डॉक्टर के पास जाऊंगी उसको समझ आएगा या ना आएगा, जो मेरे को 20-30% जो रिलीफ मिला है वो कहीं मैं वो भी लूज ना कर दूं जो मेरे पास है, इसीलिए वो गारंटी चाहता है। Because hyoscyamus is very suspicious personality,
वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता जल्दी। तो उसको मैंने इसी बात पे मैंने कहा, मैंने उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि तूने 8 महीने डॉक्टर चेंज करने के लिए लगा दिए क्यों? वो बोली कि मेरे को ट्रस्ट नहीं आ रहा था, मेरे को सिर्फ यही डर था कि कहीं मैंने जो 20-30% मेरे को रिलीफ मिला मैं उसको भी लूज ना कर दूं। देयर इज इन जैसीमियम देयर इज फियर ऑफ लूज ऑफ कैपिटल, जो मेरे पास है मैं कहीं वो भी लूज ना कर दूं, मैं इसका इंटरेस्ट के चक्कर में कहीं मैं इसीलिए वो कभी लॉटरी नहीं लगाता, कभी गैंबलिंग नहीं करता हायर सर्विस वाला, क्योंकि उसको ये डर रहता है, रिस्क नहीं लेना चाहता वो। सर वीकनेस और टॉर्पोर में डिफरेंशिएशन बताइए सर प्लीज। हम ऐसे अगर करते रहे ना, वीकनेस और टॉर्पोर है ना, वो सर दोनों ही लेटे रहते हैं, दोनों का ही उठने का मन नहीं करता, दोनों ही बहुत कमजोर दिख रहे होते हैं। नहीं वो तो फिर उसके वर्ड्स तो कुछ बोलेंगे ना, डिफरेंशिएट तो वो जो उसके वर्ड्स होंगे। टॉर्पोर तो लेटा है, उठने की हिम्मत ही नहीं है। हाँ जी सर, टॉर्पर में जनरली आंखें भी क्लोज रहती है बिल्कुल सब तरह से, वो एकदम से ड्राउजी स्टेट, ड्राउजी हाँ सर, एकदम निद्रा की अवस्था में रहती है। वीकनेस तो टॉर्पर एक नशे जैसी स्टेट में, वीकनेस में वैसा जरूरी नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है ना, टॉर्पर में मसल्स जो टिश्यू पे करते हैं वो सपोर्ट नहीं करते, मसल्स सपोर्ट नहीं करते। वीकनेस एक जनरल वीकनेस इज कंसर्न विद एनर्जी लेवल, वो एक एनर्जी की बात है, वो एज जनरल है। और जो वीकनेस है जो टॉर्पोर है वो एक टेम्परेरी जो फेज है, और उसमें मसल्स जो बिल्कुल टॉर्पोर में क्या होता है कि टॉर्पोर में है कि एक शरीर अगर हम हिंदी में लगाएं या पंजाबी में लगाएं तो एक मिट्टी बना हुआ, बिल्कुल मिट्टी बना हुआ है। अब हम मिट्टी को लें, उसको विदाउट सपोर्ट खड़ा किया ही नहीं जा सकता। अगर मिट्टी को सपोर्ट देंगे तो वो खड़ी है, जब उसकी सपोर्ट छोड़ देंगे तो फिर नीचे आ जाएगी, अपने अपने ग्राउंड पे आ जाएगी, ठीक है ना। यही स्टेट टॉर्पोर की है जो नया। और वीकनेस तो एक जनरल जनरल टर्म होगी ना कि मेरे को वीक फील हो रहा है, और वीक जरूरी नहीं है तो वो लेटा रहेगा। अब ऐसे हम बढ़ते जाएंगे तो वीक है और फिर अमेसिएशन है। वीकनेस तो मेंटल कंडीशन है। टॉर्पोर में एक्चुअल में क्या होता है कि जब व्यक्ति कहता है कि शरीर निचुड़ा निचुड़ा सा है, खत्म सा शरीर है, थका मांदा सा है, बिल्कुल 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 नहीं जा रहा है, तो ये चीज आ गया। और वीकनेस तो एक जर्नल हो गया, हर चीज में वो अप्लाई हो सकता है। आप ना अब मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आपके जो स्पीकर है ना वो आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो यू आर प्रैक्टिशनर, यू आर इन प्रैक्टिस, तो वो अपने खुद क्या करोगे? अगर आप जो जैसा मैं बताऊंगा वैसा ही करते जाओगे, दिस इज वेरी क्लियर इमिटेशन, और इमिटेशन है वो कभी सक्सेस नहीं मिल सकता आपको। आप इसको सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए। एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, तीन बार गलत होगा। अगर हम ऐसे वर्ड्स को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे फिर डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना। फिर तो हम वही फंस जाएंगे। क्वेश्चन जो ज्यादा इंक्वेस्टिव लोग होते हैं वो फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। उससे निकलना है हमें, उससे तो निकलना है। Is it okay? सर एक छोटी सी कंफ्यूजन है, वो काइंडली अगर दूर कर दें। ये सर आपने जैल्सीमियम और हायोसियामस के माध्यम में बताया कि वो जो है ना वो मरीज उसको छोड़ना नहीं चाह रहा, तो इसमें एक और हमारे पास जो रूब्रिक आता है उसमें कंफ्यूजन आती है, डिल्यूजन चार्म्ड एंड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल, उसमें फिर हम किस तरह इसको डिफरेंशिएट करेंगे? मैं आपको सही बताऊं अपनी अपनी प्रैक्टिस की जो मैं बात बताता हूँ, मैंने कभी ऐसे रूब्रिक अप्लाई नहीं किए जो डिलीरियम वाले रूब्रिक्स है ना,
मैं सिर्फ पेशेंट की बात, मैं आपको दो केस बताता हूँ, दो केस मैंने शेयर करने हैं आपके साथ है। अभी फिर हमारा टाइम बहुत कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिलीरियम वाला, मैंने डिलीरियम वाला रूब्रिक अपनी प्रैक्टिस में कभी लगाया ही नहीं, ठीक है। ये डॉक्टर मान, डॉक्टर नीलम कभी क्लास लेंगी तो उनसे, क्योंकि एक टीम बनती है, कि जरूरी नहीं है कि कंप्लीट कोई आदमी नहीं हो सकता, ठीक है ना। मैं अपने लेवल से, अपने माइंड से प्रैक्टिस करता हूँ, जो दूसरा स्पीकर बोलेगा वो अपने तरीके से प्रैक्टिस करेगा। मैं तो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल टिप्स दे रहा हूँ कि हाई उस रिस्क नहीं लेता, जो है वो लूज नहीं करना चाहता, ठीक है। और जर्थीमियम को एक इंसिक्योरिटी है कि विदाउट सपोर्ट वो चल नहीं सकता, इसीलिए उसको इंश्योरेंस एश्योरेंस चाहिए, वो लाइट है, और इसको गारंटी चाहिए, ये रिस्क है, सस्पिशियस है, ठीक है। मोटा मोटा ये समझ लीजिए आप। एक हम अगर वॉइस में एक रिवर्क पे स्टक कर जाएंगे तो फिर तो हम फेलर की तरफ जाए, हमारे रास्ते बंद हो जाएंगे। इस केस को बहुत ओपन ओपन कोशिश करो, ठीक है। ठीक हो, मैं आपके साथ दो केस शेयर करता हूँ, दोनों की एक ही मेडिसिन के वो डिफरेंट शेड्स है, तो आप कोशिश कीजिएगा उसमें कॉमन क्या है। बस आपको यही सुनना है, दो केस मैं आपको सुनाता हूँ कि हम, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम पेशेंट की मेंटल स्टेट को उसके शब्दों से, उसकी एक्टिविटीज से कैसे समझते हैं, बस यही सीखने की कोशिश करनी है। ये हम सीखेंगे अगर हम बिल्कुल ब्लैंक माइंड से बैठेंगे, ठीक है ना। ब्लैंक माइंड में तो कुछ प्रिंट होगा आपके आपके दिमाग में, इफ यू आर फुल विद क्वेश्चंस तो फिर आपके दिमाग में कुछ नहीं होगा, आप तो फुल ही रहेंगे, तो आपको नया तो कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो हम कैसे समझते हैं, मैं किसी और तरीके से समझ लेता हूँ, डॉक्टर मान किसी और तरीके से समझते हैं, डॉक्टर नीलम किसी और तरीके से समझते हैं, अपना अपना समझने का तरीका है। अगर एक ही तरीके तो वो तो फिर तो हम नकल करेंगे, नकल में कभी हम अपनी आइडेंटिटी नहीं बन सकेगी हमारी, ठीक है ना। तो मैं आपको दो केस बताता हूँ। एक केस मेरे पास बठिंडा में आया, उसको वॉमिटिंग हो रही है पिछले 4-5 दिन से, और वो आया कैसे है कि रेड लाइट वाली कार है, उसके पास एक गनमैन है और एक कार उसके पीछे है, चार लोग उसमें है, दो लोग उसमें है, चार लोग उसमें है। वो मेरा पुराना नोन है, 20-25 किलोमीटर डिस्टेंस पे उसका जो अपना रेजिडेंस है, तो मेरा पुराना नोन था, काफी देर से वो पूरी फैमिली आती है, अब वो चला गया अब्रॉड, चले गए कनाडा में सेटल हो गए। प्लीज अपने अपने काइंडली अपने जो कहीं भी मिला तो वो भी आ गए, स्पीकर ऑफ कर लीजिए प्लीज, माइक सर आप म्यूट हो गए हैं, सर आप म्यूट हो गए, सर आप म्यूट हो गए सर। हेलो, ओके सर, ओके सर, कंटिन्यू करें। ओके 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 ओके, हाँ, ये केस 50 इयर्स ओल्ड जो मेल पर्सन है, लाल बत्ती वाली कार में आया, दो एक गनमैन उसके साथ है, एक ड्राइवर उसके साथ है, और चार लोग उसके पीछे है, और वो तो मेरे को बोलने लगा आके कि डॉक्टर साहब मेरे को आज थोड़ा जल्दी है, थोड़ी पहले मेडिसिन दे दो। मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो बस, आप क्वेश्चन अपने बिल्कुल डिलीट कर दो एक बार। तो उसने बोला क्या कि मेरे को जल्दी दवाई दे दो, आज मेरे को जल्दी है, तो मेरे को बस सिर्फ उसकी जल्दी समझनी है। अगर उसकी जल्दी क्या है वो समझ आ गई तो मेडिसिन राइट मेडिसिन पे पहुंच जाएंगे हम। अगर मैं उस जल्दी को इग्नोर कर दिया, उनके वर्ड्स को इग्नोर कर दिया, तो मैंने हंस के, क्योंकि मेरा पुराना जानकार था, संधु साहब क्यों आप तो इतनी जल्दी में कभी होते नहीं, आज क्या हुआ। तो मैं मेरे को बताने लगा कि मेरे काम में मिनिस्टर आए हुए हैं, हमारे जो MLA है वो मिनिस्टर है, वो आए हुए हैं, आज पूरे दिन का फंक्शन है, और मैं मेरे को 5 दिन से उल्टी लगी हुई है, और मेरी ड्यूटी लगी है वहाँ मेस में, किचन में, तो हॉस्पिटलिटी, टोटल हॉस्पिटलिटी, वो एज इंचार्ज मैं उस फंक्शन में काम कर रहा हूँ। और मैं जब मिनिस्टर साहब को मिला तो उन्होंने मेरे से पूछा कि संधू
why are you looking so sad today? Why are you looking so low? तो मैंने उनको बताया कि सर मेरे को 3 दिन में उल्टी लगी है और मेरे को टाइम ही नहीं मिला, मैं यहाँ बिजी था अरेंजमेंट में आपका जो प्रोग्राम था। तो मेरे को बोले मिस्टर संधू पहले आप जाके दवाई लेके आओ। तो मैंने उनको बोला कि मैं बठिंडा जाना पड़ेगा, जाओ पहले मेडिसिन लेके आओ। मैंने उनको बोला कि सर मेरी कार, मेरी तो दो कार है मेरे पास, वो दोनों आपके फंक्शन में बिजी है, कहीं गई हुई है बाहर। तो मिनिस्टर साहब बोले कि ये मेरी कार ले जाओ और गनमैन ले जाओ और तुम पहले मेडिसिन लेके आओ, ये तो सारा दिन चलेगा, फिर बीमार हो गए ज्यादा हो गए तो हमारा प्रोग्राम अपसेट हो जाएगा। तो मैं कार लेके निकला वहां से, तो रास्ते में मेरे वाली कार भी मिल गई। तो मैंने उनको कहा कि फॉलो मी, आप भी मेरे पीछे आ जाओ। तो डॉक्टर साहब आप तो जानते हैं कि ये काम जो हॉस्पिटलिटी वाला ये काम है, ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। और मेरे को ऐसे मेडिसिन दो मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊं, तो मैं अपना, नहीं तो फिर मेरी इमेज खराब हो जाएगी। वह यही केस था। और मैंने, आप ये समझ लीजिए कि कितना टाइम लगा होगा इस केस को लेने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मिनट, और 2 मिनट सिर्फ मैंने लगाए उसको एक थॉट देने के लिए कि वो कह क्या रहा है, क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है। बस तो मेडिसिन वाज गिवन एंड आफ्टर दैट नो वोमिटिंग। वो मेरे पास आते रहते थे अक्सर, उसके बच्चे सारे सारे मेरे पास ही आते मेडिसिन लेने, क्योंकि कुछ ऐसे केस ठीक हुए थे उनके के वो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड थे और कहीं और सोचते नहीं थे मेडिसिन लेने के लिए। तो मेडिसिन वाज गिवन और वो फटाफट ठीक हो गया। एक केस, दूसरा केस है जो वो मैं आपको बताता हूं, ये आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, केसों को अंदर उतारना और उसमें कॉमन चीज क्या है, उसमें कॉमन क्या है बस उसको निकालना। अगर कॉमन फैक्टर हमने निकाल लिया तो दोनों की एक ही मेडिसिन है, फटाफट मेडिसिन आ जाएगी आपकी। ये केस मेरे पास गैंग्रेनस अल्सर का केस है, ये 5 साल से, पिछले 5 साल से ये उसका जख्म ऊज कर रहा है और डॉक्टरों ने बोला कि ये गैंग्रेन है, इसको एम्पुटेट करना पड़ेगा उसके पाम पे, और बैंडेज उसके बंधी हुई थी और वो ऊज कर रहा था, बहुत उसमें ऑफेंसिव स्मेल भी आ रही थी। तो 5 साल से वो मेडिसिन ले रहा। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही था उससे कि आज यहां कैसे आए। ये क्वेश्चन मैं हर मरीज से, मेरा यही सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आज कैसे अप्रोच किया, हमें कैसे अप्रोच किया। ये उसने माइक काइंडली, किसी का माइक चल रहा है, माइक माइक बंद कर लो, माइक ऑफ कर लो काइंडली। यस थैंक यू। तो उसने बताया कि मेरे गांव से आपके पास बहुत से मरीज आते हैं, तो बहुत मरीज ठीक हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी वहां से मेडिसिन आज एक सिस्टम चेंज करके देखते हैं कि पहले एलोपैथी मेडिसिन चल रही है, अब मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। तो पूछने से कि डिप्रेस क्यों, क्योंकि ये ठीक नहीं हो रहा, मेरी सारी होप्स जो खत्म हो रही हैं कि अगर मेरा पाम ऐसे ही चलता रहा तो ये तो एम्पुटेट करना पड़ेगा। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि आप काम क्या करते हैं। तो उसने बोला कि मैं गुरुद्वारा में प्रीचर हूँ, प्रीचर का काम करता हूँ। और उसके आगे उसने बताया कि डॉक्टर मैं पिछले, आपको सही सही बता रहा हूँ कि पिछले कई सालों से मैं ड्रग एडिक्टेड हो गया था और अब मैंने कोशिश करके ड्रग्स तो, इंजेक्शन तो छोड़ दिए, लेकिन मैं पॉपी हस्क और ओपियम नहीं छोड़ पा रहा हूँ। और मेरा, मैं 2 साल से इस गांव में रह रहा हूँ और मेरी बहुत रिस्पेक्ट बन गई है एक गांव में, इस गांव में। अब मेरे को ये डर लगता है कि अगर लोगों को पता चल गया कि एक प्रीचर ड्रग एडिक्टेड है, तो मेरी जो 2 साल में मैंने पोजीशन बनाई वो पोजीशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो मैंने उसको पूछा कि आपको क्या लगता है कि लोग आपकी बीमारी की वजह से ज्यादा हेट
करेंगे आपको या आपकी इस आदत की वजह से? उसने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, इस जख्म को तो मैं अक्सर कवर करके रखता हूँ, कवर कर भी सकता हूँ। अगर मेरी एडिक्शन के बारे में पता चल गया तो मेरी पोजीशन बिल्कुल खराब हो जाएगी, बड़ी मुश्किल से बनी है पोजीशन, अब 2 साल हो गए। एक क्वेश्चन मैं अक्सर मैं बड़े ओपन क्वेश्चन करता हूं कि कभी आपके फिजिकल रिलेशन रहे हैं किसी से? तो बोला डॉक्टर साहब, आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो आदमी इतना इतना एडिक्टेड रहा हो, उसके रिलेशन तो कहीं भी बन सकते हैं। तो वो बार बार कह रहा है कि अब मेरे को इससे निकालो कि मैं एडिक्शन छोड़ दूं, क्योंकि मेरी इससे मेरी पोजीशन बहुत गंदी हो जाएगी अगर लोगों को पता चलेगा। तो यही यही केस था। अगर हम दोनों में देखें तो कॉमन आपको क्या मिल रहा है दोनों केसों में? कॉमन फियर सोशल पोजीशन, फियर सोशल पोजीशन, सोशल पोजीशन, फियर फियर लॉस, फियर पोजीशन, लुक्रेटिव हिज जॉब, लूज हिज लुक्रेटिव जॉब सर। ठीक है, फियर सोशल पोजीशन, फियर सोशल पोजीशन दोनों में। पहले केस में क्या है, पहले केस में वो अपना स्टेटस दिखाना चाहता, राइट? वो अपना स्टेटस दिखाना चाहता है। वो स्टेटस में क्या है, ही वांट्स टू शो। बोस्टर है? हाँ जी सर, बोस्टर होगा सर, बोस्टर होगा। ठीक है, पोम्पस इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, पोम्पस इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, उसमें क्या है ना, अब फिर उससे थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा सोच को अपनी अपनी थॉट को ब्रॉड करो थोड़ा। केक रेड लाइट है, राइट, और उसके साथ एक गनमैन है और उसके साथ एक ड्राइवर है। एक प्रोसेस को समझने की कोशिश करो कि पूरा प्रोसेस क्या है, उसमें क्या क्या हो रहा, फिर मेडिसिन बड़ी क्लियर हो जाएगी, फिर हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि वो वहां से चला और रास्ते में उसकी अपनी कार मिल गई, उसमें 4 आदमी है, उनको भी उनको भी साथ ले लिया, राइट? तो वो शो क्या करना चाहता है, ब्रैग, बोस्टिंग, पावर, पावर सर, पावर शो करना चाहता है। ही इज कम्युनिकेटिंग पावर बिग पीपल, ही वांट्स टू शो हिमसेल्फ वीआईपी, और वो अपनी वेल्थ शो करना चाहता है। वेल्थ आप उसको थोड़ा आप उसको एक एज जनरल पकड़िए, ही वांट्स टू शो हिमसेल्फ वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ही इज अ ग्रेट मैन, ही इज अ ग्रेट मैन, squandering through ostentation sir, yes, very good, not a chance, exclusive sir, exclusive, he is distinguished। wo kya keh raha hai ke meri duty hospitality pe hai, hum kisi cheez ko ek shabd ko bhi miss nahi karte kabhi, theek hai, ye bhi zaruri nahi hai ki har shabd ko hum isme convert karenge, रूब्रिक में कन्वर्ट करेंगे, हम उस हर वर्ड को जोड़ के उसकी सिचुएशन बनानी चाहते हैं कि उसने पहले मिनिस्टर को बताया कि मेरे पास यू नो आई हैव 2 कार्स और दोनों आपके काम में लगी हुई है। ठीक है, इट्स शोइंग वेल्थ, इज इट क्लियर, उस वेल्थ को शो करता है और फिर कार ले ली और अपने पीछे आने के लिए फॉलो करने के लिए कहा अपने लोगों को भी, तो वो वीआईपी शो करने के लिए कहता, वीआईपी शो करने की कोशिश करता। और तीसरा क्या है कि एक कार से चल सकता था, वो 2 कार लेके गया, तो वहां वहां वो स्पेंडर भी कर रहा है, वो वेसेज भी कर रहा है। अब हम पूरी चीजों को जोड़ दें तो क्या बनता है, ये सल्फर विरेटर मलबम। वो क्या कहता है कि ये सर, this is very tough job,
this is the work what I am doing. This is very hard. He's hard at work. He's doing very hard work. And he wants to show that this is, I am only the person who can manage this situation. और हॉस्पिटलिटी जो ये सबसे टफ जॉब है उस फंक्शन में तो वहां ड्यूटी मेरी है राइट तो मेडिसिन ये डिलीवियन ग्रेट पर्सन इज हां ग्रेट भी है ग्रेट तो है ही सारे लीडर इसीलिए तो मैंने पर्सन ऑफ रैंक ही इज रैंक ही इज गुड अरे जोर से बोलिए ना भाई ब्रेटम एल्बम यस ब्रेटम एल्बम इज द मेडिसिन ठीक है और ब्रेटम एल्बम मैंने आज चूज इसीलिए किया कि दीज डेज आर बिलोंगिंग टू ब्रेटम एल्बम जितने वी आई पीस है ना यूपी के पंजाब के मणिपुर के उत्तराखंड के और ब्रेटम एल्बम में क्या होता है मेरे को केस याद आ रहा है दैट वाज द केस ऑफ एब्डोमिनल कैंसर शी वाज 55 इयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट उसका बीकानेर से ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद वो 44 mm इट्स टू ओल्ड केस और मेरे को अभी पूरा केस याद है सरजीत कौर उसका नाम था दैट वाज द उसका 24 x 26 और 27 mm जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था तो डॉक्टर बोले कि ये मेडिसिन से ही काम चलाना पड़ेगा रिपीट तो होगा नहीं इसका तो बाय चांस वो मेरे कांटेक्ट में आ गए तो मैंने उनसे पूछा सारी हिस्ट्री पूछी कि ऑपरेशन में एक बार तो डर लगा था फिर मैंने सोचा डॉक्टर कि अब जो होना है वो होना ही है फेस तो करना ही है और मैं विदाउट एनी फियर विदाउट एनी हेजिटेशन मैंने कहा कि ऑपरेशन करवा दो मेरा और क्या लगता है ठीक तो मेरे को होना ही है मेरे को तब भी ये लगता था कि मैं ठीक हो जाऊंगी और इसमें दो रूब्रिक्स मैंने लगाए थे इन दो स्टेज दैट वाज द टाइम ऑफ सिंथेटिक रिपोर्टरी सिंथेसिस वाज नॉट देयर देन सिंथेटिक रूब्रिक उसमें मैंने दो रूब्रिक लगाए थे हाई स्पेटेड एंड होपफुल एंड देयर वाज सिंगल मेडिसिन हाइड्रास्टिस एंड द सेम वाज गिवन और तीन चार महीना में उसका तीन चार वो रेगुलर वहां जाते थे बीकानेर हॉस्पिटल में बीकानेर कैंसर हॉस्पिटल में तो जब वो थर्ड विजिट पे गए जब उसने डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड किया तो उसने सडन पूछा उनसे कि माता इस मेडिसिन के सिवा कोई और मेडिसिन भी खा रहे हो तो उसने बोला हाँ मैं होम्योपैथी खा रही हूँ तो डॉक्टर बोला कि अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं है ये जो आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है ये होम्योपैथी से हो रही है हमारी दवाई कभी ऐसा नहीं करती तो आप मेरे पास नहीं आना अब उसी डॉक्टर के पास ही रहना और वो 5-6 दिन में उसका निशान भी नहीं था कैंसर का ठीक है अगर हम मैं बात इसलिए शुरू की कि इन ब्रेक्ट्रम देयर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिब्रिक हाई स्पेटेडनेस तो हाई स्पेटेड को हम कैसे अप्लाई करते हो आप कभी किया है किसी ने सर मैंने किया हाँ जी हेलो ये इनका मुझे बोल रही थी मैं डांस करूंगी और आप देखना एक दिन मैं मोटरसाइकिल चलाऊंगी और सर वो एफर्ट भी कर रही थी 7 इयर्स की बच्ची थी कोई किसी माइक की साउंड बहुत आ रही है मेरे में सर जी हाई स्पेटेड में देखा है मैंने कि जो डिफिकल्ट सिचुएशन होता है जहाँ पर आदमी नॉर्मल डैमेज हो जाता है उसके हिम्मत टूट जाती है वो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हिम्मत उठा के रखता है उस डिफिकल्ट सिचुएशन को वो नॉर्मल कर देता है अपने आप को ऊंचा उठा लेता है कई बार ऐसा भी देखा कि ये जो हाई स्पिरिटेड के जो लोग होते हैं वो सामने वाला को एक शक्ति फील होती है कि यार इसके अंदर उसको मतलब देख करके ऐसा नहीं लगता कि इसका ये गिरने वाला है सामने वाला का शक्ति बढ़ जाता है
आइसोलेटेड सामने वाले की शक्ति बढ़ जाती है, यार इसमें दम है। डिफिकल्ट सिचुएशन में भी नहीं गिरता। ओके गुड 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 सर। हाँ यही है सर, हाई स्पिरिट। हेलो हेलो। हाँ जी सर। हाँ ये किसी माइक की ना डिस्टरबेंस बहुत आ रही है, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एक माइक है जो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, उसमें साउंड आ रही है बहुत डेट साउंड। हाँ अब प्लीज प्लीज कंटिन्यू करिए सर। हाँ तो इसमें हाई स्पिरिटेड को समझने के लिए पहले डॉक्टर सहगल साहब ने क्या बताया ना कि पहले उस वर्ड के मीनिंग उनको अलग अलग कीजिए। तो हाई स्पिरिटेड को समझने के लिए हमें पहले स्पिरिट को समझना पड़ेगा। स्पिरिट क्या है? स्पिरिट जो हमारे इमोशंस है, टोटल इमोशंस है, हमारे फियर्स है, हमारे पैशंस है, हमारे डिजायर्स है, हमारे जो इंसिक्योरिटीज है, ये सारी हमारी स्पिरिट में आ जाती है। जो हमारी इंटेलेक्ट फैकल्टी है वो उसको पूरी को हम बना लें तो फिर एक स्पिरिट बनती है। और हाई स्पिरिटेड वही है कि अनब्रोकन स्पिरिट है, जो एफर्ट्स है इन डिफिकल्ट सिचुएशन। यस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी वो क्रिएटिविटी है, फियर्स है, इमोशंस है, जो हमारे को डाउन नहीं होने देते। जैसे उसने बोला कि अब लगता था अनब्रोकन स्पिरिट टू ओवरकम इन डिफिकल्टीज, यही मीनिंग है इसका। तो प्रैक्टिकली हमें हमें डिफ्रेंशिएट करनी पड़ती है ये सारी चीजें, क्योंकि फनेटिक अम्बिशन ये बहुत रिवर्स हमारे पास पड़े हुए हैं। अम्बिशियस आदमी भी ऐसे ही करता, उसमें भी स्पिरिट अच्छी रहती है, लेकिन हाई स्पिरिटेड है वो अनब्रोकन है, वो ब्रेक नहीं होते कभी अपनी एफर्ट्स। जैसे एक हम आपने कभी किसी ने कोई गाइड फिल्म देखी है, जो देवानंद की पुरानी फिल्म थी गाइड? हाँ जी गाइड फिल्म देखी है ना? यस सर। इन जो देवानंद साहब की फिल्म थी, तो वो ग्रेटर मेलबर्न का, वो ग्रेटर मेलबर्न का क्लियर करेक्टर था जो देवानंद था उसमें ना। इसमें होता क्या है कि बहुत वेरी एम्बिशियस पर्सनैलिटी इज ग्रेटर मेलबर्न, और उसकी क्या है कि एक पोजीशन बनाने की कोशिश है। वो पोजीशन बनाने के लिए, वो पैसा बनाने के लिए, वो अपनी इमेज बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी हद तक भी जा सकता है। वो जो कौन ये बैंक फ्रॉड किया था, जो यहाँ से बाहर चले गए थे, क्या नाम था उनका, तीन चार लोग थे, ये सारे ग्रेटर मेलबर्न वाले ही है कि लोन लेते हैं, वो कभी गैम्बलिंग करते हैं, कभी अपना एम्बिशन बनाने के लिए। एम्बिशन एवरी पॉसिबल। हाँ एम्बिशन अम्प्लाई एवरी पॉसिबल मीनिंग, राइट। तो एवरी पॉसिबल मीनिंग में क्या आ जाएगा, जैसे अभी किसी पार्टी ने सपोज निकाल दिया, पार्टी से निकाल दिया, तो उनको एक होप बहुत थी कि मेरे को ये टिकट मिल जाएगी इस एरिया से। उसको टिकट नहीं मिली तो उसको तो इलेक्शन लड़ना ही लड़ना, उसने पार्टी चेंज कर ली। तो एक प्रोसेस चल रहा है कि एक पार्टी से निकाला क्योंकि वो उसको डिजर्विंग नहीं मानती थी, और ये अपने आप में बहुत डिजर्विंग मानता था। अब एक पार्टी ने निकाल लिया तो दूसरी पार्टी में चला गया। इस प्रोसेस में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या सिम्टम चल रहे हैं, क्या क्या रिब्रिक्स चल रहे हैं? हम अगर ऐसे समझेंगे सिचुएशन को तो हमें बड़ी इजीली समझ आ जाएगी। कई लोग लीडर लोग रोना शुरू कर देते हैं ना, रोना शुरू कर देते हैं जब उनको टिकट नहीं मिलती, तो अपने इमोशन अलग अलग होते हैं। ये अपनी फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करता सर, हार नहीं मानता है, लगा रहता है, मतलब परसिवरेंस भी है इसमें, बार बार एफर्ट को अपना डालता रहता है।
एक रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम ओनर वुंडेड ब्रेटर मेलबम का, हम मोटा मोटा करते हैं ब्रेटर मेलबम को। एक रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम ओनर वुंडेड, तो उसको ये होता कि उसको ये फील होता कि मैं बहुत अच्छी पोजीशन है मेरी पार्टी में, लेकिन पार्टी उसको निकाल देती है तो उसका ओनर वुंड करता, ठीक है, और वो दूसरी पार्टी में जाता है विदाउट हेजिटेशन। वो क्या है, वो शेमलेसनेस है, उसको कोई दुनिया की परवाह नहीं है। ये ऐसी सिचुएशन ही जो ब्रेटर मेलबम की होती है, और हाई स्पेटेड है कि वो उस सिचुएशन में, एक फेलियर की सिचुएशन में भी बिल्कुल सरेंडर नहीं करता और वो लगा रहता है। तो हम इनको पेशेंट्स की लैंग्वेज में कैसे बताएंगे, हम हाई स्पेटेड जो एलिमेंट्स फ्रॉम ओनर वुंडेड उसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। वो भी टाइम थोड़ा, तो मैं आपको बताता हूं कि हम एक बात सुनते हैं पेशेंट की और उसको कैसे रूब्रिक में ले जाते हैं। एक पेशेंट मेरे पास थी, वो अपने बेटा और बहू को बहुत प्यार करते हैं, वेरी अटैच्ड विद देम। तो उसमें एक बार क्या हुआ कि कुछ बेटे और बहू ने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया जो मदर की नोटिस में नहीं था, तो बस सिर्फ इसी बात ने उस औरत को इतना डिस्टर्ब कर दिया, वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो गई। तो वो मेरे को कह क्या रही थी कि ओनर वुंडेड कहां लगाया हमने, कि मेरे को मेरी बेटे पे बहुत मान था, कम से कम एक बार मेरे को पूछ ही लेता मैं कौन सा रिफ्यूज कर रही थी, बस इस चीज ने उसको बीमार कर दिया। तो यही उसकी वर्डिंग थी, एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई अप्लाइड दिस रूब्रिक एलिमेंट्स फ्रॉम ओनर वुंडेड। उसमें बेशक मेडिसिन अलग दी थी, अग्निशिया दी थी। तो हम पेशेंट की बात को बड़े ध्यान से सुनते रहते हैं, वो कहता क्या है, उसके पीछे उसकी मेंटल स्टेट क्या, वो कहना क्या चाहता है, अगर उसको हम सही इंटरप्रेट करते हैं तो फिर हम राइट मेडिसिन पे पहुंच जाते हैं। तो मैं ब्रेटन के जो मेन मेन रूब्रिक्स है उनको हम जो लास्ट वाले पेशेंट में लगाए थे वो रूब्रिक मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो गैंग्रेनस अल्सर वाला केस था, उसमें डिल्यूजन हाँ, चलो जनरल जनरल केस करते हैं, उसमें वो भी आ जाएंगे। जस्ट अ मिनट प्लीज। हाँ, उसके रूब्रिक थे फियर सोसाइटी ऑफ हिज पोजीशन। अगर हम सोसाइटी वाले रूब्रिक सारे इकट्ठे करते हैं, डिस्पेयर सोसाइटी फ्रॉम एंड पोजीशन इन सोसाइटी, कंसर्न विद पोजीशन इन सोसाइटी एंड फियर लूज लुक्रेटिव पोजीशन, तो हम तीन मेडिसिन इसमें मेन रह जाती है, ब्रेटर मेलबम, स्टेफिस्केरिया एंड थर्ड वन इज आई थिंक वन मेडिसिन इज मोर, ब्रेटरम सीपीआ एंड स्टेफिस्केरिया। और सीपीआ और स्टेफिस्केरिया को डिफ्रेंशिएट करने में चलो थोड़ी कई बार दिक्कत आती है, लेकिन ब्रेटरम तो बिल्कुल एक डिफरेंट मेडिसिन है, क्योंकि ब्रेटरम के हर जगह में कनिंगनेस, हर जगह में फ्रॉड, हर जगह में हेरा फेरी, वो उसकी पास्ट हिस्ट्री में मिलेगी, जैसे ये प्रीचर कह रहा था। अब उसमें क्या कि अब उसको किसी भी तरीके से उसको छोड़ना है, उसको निकलना है, क्योंकि उसकी पोजीशन पे बना लिया, अब उसने बड़ी मुश्किल से जो अपनी पोजीशन बनाई है, इसीलिए वो नार्कोटिक से निकलना चाहता है। और वो बार बार कह रहा है कि मेरा पाम को बेशक आप छोड़ दो और मेरे को डी एडिक्शन की तरफ ले जाओ, आप कुछ ऐसी मेडिसिन दो जिससे मैं डी एडिक्ट हो पाऊं। तो उसमें रूब्रिक जो लगाए थे फियर सोसाइटी ऑफ हिज पोजीशन इन, फियर पोजीशन टू लूज हिज लुक्रेटिव, डिल्यूजन ग्रेट पर्सन ही इज, एस्केप अटेम्प्ट टू, ही वाज कांस्टेंटली ही वाज ट्राइंग टू कम आउट फ्रॉम द बैड हैबिट्स, एंगर वायलेंट। हाँ, एक फेज उसका रह गया था, मैंने जो उसको ओपनली पूछा था कि गुस्से के बारे में, तो गुस्सा कहता है कि जब तक सिचुएशन मेरे अपने मुताबिक चलती है, जब तक मेरे अकॉर्डिंग चलती रहती है तो फिर तो ठीक है, और मैं अपने अपने तरीके से ही चलाना चाहता हूँ, अगर थोड़ी भी कंट्राडिक्शन होती है, एनीबॉडी कट
टू माई टॉप, तो मैं बहुत वायलेंट हो जाता हूँ. वायलेंट क्या, कई बार चीजें उठा के फेंक दी, कई बार किसी को स्ट्राइक कर दिया. तो मैंने उसी वक्त एक सवाल पूछा कि आप यू आर द प्रीचर ऑफ गुरुद्वारा, तो अगर बाई चांस कोई, क्योंकि वहां तो लोगों का आना जाना लगा ही रहता, तो अगर कोई आ जाता है तो फिर क्या करते हो? तो फिर कहता कि मैं बस सडन, ऑल ऑफ सडन अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ, अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेता हूँ और बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देने की कोशिश करता हूँ. ये उसके जो गुस्से का फेज था. तो ब्रेकिंग डिजायर, कंटेम्पटुअस हार्ट फॉर सबॉर्डिनेट एंड सॉफ्ट फॉर सुपीरियर्स एंड वांडर डिजायर रेस्टलेसली वांडर्स अबाउट एंड अडल्ट्रस. अडल्ट्रेशन का मतलब तो आप समझते हैं, अडल्ट्रस का मतलब तो कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस एंड रिलीजियस अफेक्शन. रिलीजियस वो था ही. तो ये रिब्रिक्स उसमें जो लगाए थे और उसका जो जैक, मैं मेरे ख्याल में 5 महीना के बाद उसके बिल्कुल निशान भी नहीं था और वो फिर बार बार दिखाता लोगों को अपना पैर. पहले उसको कॉन्स्टेंटली ही वाज़ ट्राइंग टू हाइड और फिर वो बार बार दिखाता. वो दिखाता इसीलिए कि अपनी पोजीशन, फिर सोशल पोजीशन की बात है, वहां लूज करने की डर थी या बनाने का, बनाने की कोशिश है कि मैं अब मैं ठीक हो गया हूँ, सभी लोगों को ये लगे कि इसका पाम जो ठीक है बिल्कुल इनक्योरेबल नहीं है और मेरे से लोग हेट ना करें, मेरे से दूर ना हो जाए. ये केस था. हाँ डॉक्टर संजय, टाइम का काइंडली मेरे को, टाइम तो हो गया मेरे ख्याल में, है ना सर? एक बार फिर से रिपीट कर दें रूब्रिक्स. यही सभी रूब्रिक? हाँ सर, जो अभी आपने बताए सारे. हाँ नोट कीजिए, फियर सोसाइटी ऑफ हिज पोजीशन इन. अब उसको कॉन्स्टेंटली यही डर सताए रहा है. वो कह रहा है कि बीमारी तो मैं छुपा सकता हूँ, बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, उसमें तो आदमी का कोई रोल नहीं है, लेकिन जो मैंने अपने जो एडिक्शन शुरू किया, जो ड्रग्स लेनी शुरू की, उसमें तो मेरा कसूर है ना, उससे तो इमेज मेरी डाउन होगी ना. तो इसीलिए रूब्रिक लगाया था फियर सोसाइटी ऑफ हिज पोजीशन. यही को डोमिनेट कर रहा है उसमें और यही प्रेजेंटेशन है उसकी, इसीलिए स्टेट नंबर पे फियर पोजीशन टू लूज हिज लुक्रेटिव. क्या मैंने 2 साल में बड़ी मुश्किल से पोजीशन बनाई, आई एम नोन एज वेरी स्पेशल पर्सन इन द विलेज, तो वो लूज ना कर दूं, वो लुक्रेटिव पोजीशन है उसकी. डिल्यूजन ग्रेट ही इज, क्योंकि लोग बहुत मानते हैं तो वो अपने आप में एक स्पेशल आदमी कि जो ये रोल मैं गुरुद्वारा में कर रहा हूँ ये मैं ही कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता. एस्केप अटेम्प्ट, वो उस सिचुएशन से बाहर आना चाहता. कॉन्स्टेंटली बैड हैबिट्स स्पेशली एंगर, वायलेंट ब्रेक थिंग्स, डिजायर टू वायलेंट हाई या बहुत क्रूअल पर्सनैलिटी है जो ब्रेटर में इंटरनली इज वेरी क्रूअल. उसमें कहीं सिम्पथी नहीं है, किसी के प्रति सिम्पथी नहीं है, वो सेल्फिशनेस है और वो अपने आप को किसी भी तरीके से वो एस्टेब्लिश करना चाहता है. एंगर वायलेंट ब्रेक कंटेम्पटुअस हार्ड फॉर सबॉर्डिनेट्स. जो घर में लोग हैं उनके लिए वो बहुत हार्ड है, वो बाहर से जो आ जाते हैं जिसमें उसकी पोजीशन खराब होती है वहां वो बहुत काइंड हो जाता है. वांडर डिजायर, उसको ये भी पूछा था कि जब फ्री होते तो क्या करते हो, कि मैं बस इधर उधर घूमता रहता हूँ, घर में नहीं बैठ सकता जब फ्री होता हो तो. एंड रिलीजियस अफेक्शन एंड अडल्ट्रेशन, दीस आर द रूब्रिक्स विच वर कंसिडर्ड टू सिलेक्ट द मेडिसिन. एंड उसको मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि उसको एक 3 डोज ब्रेट्रोमेलबम की दी, उसके 5 महीने के बाद उसको रिपीट किया 37 पोटेंसी. पहली मेडिसिन से 5 महीने के बाद, 5 महीने तक वो पूरी तरह हील अप हो चुका था और उसके बाद फिर 30 पोटेंसी देके उसको छोड़ दिया. उसके बाद उसको कभी वो जख्म नहीं हुआ. और ब्रेटर मेलबम में सोसाइटी में पोजीशन बनाने की कोशिश होती है. कुछ और रिब्रिक्स है, मैं वो जल्दी जल्दी में आपको बता देता हूं. फ्रॉडुलेंट है, बहुत बड़ा फ्रॉडुलेंट है जो ब्रेटर मेलबम है, सबसे बड़ा. हाँ इसमें एक रूब्रिक और समझने वाला है जिससे पूरी मेडिसिन की समझ आ जाती है. इंडिग्नेशन, सॉरी फेनिंग प्रेगनेंसी.
फेनिंग प्रेगनेंसी, उसमें सिंगल मेडिसिन थी पुरानी बुक्स में, अब नए में मेरे को नहीं पता कितनी मेडिसिन और कर दी, तो इसको क्या मतलब लेंगे हम, इसका मतलब क्या है फेनिंग प्रेगनेंसी, किस सिचुएशन में फेन करेगा, करेगी औरत और क्यों करेगी? सर ये मेल फीमेल दोनों में आ सकता ना? नहीं वो मेल फीमेल में तो वो तो बात की बात है ना, तो प्रेगनेंसी में तो फीमेल में होगी ना, फेनिंग प्रेगनेंसी, तो अब मेल को तो क्या पता चलेगा, वो तो फीमेल को ही पता चलेगा, वो ही कह सकती है कि इसी प्रेग्नेंट और नॉट। हेलो फेन क्यों करेगी और क्यों फेन करेगी, किस सिचुएशन में फेन करेगी? हेलो सॉरी आपकी आवाज कट रही है, जब उसको इम्पोर्टेंस चाहिए होगी दूसरों से। हाँ जी दूसरों से इम्पोर्टेंस चाहिए होगी जब, ये मैंने मेरे ख्याल में हमने पहले डिस्कस किया था क्लास में कि नहीं, एक्सेप्टेंस एंड इम्पोर्टेंस इन सोसाइटी। वो तो हो गया ना, इफ द प्रेगनेंसी का मेटाफोरिकल मीनिंग सर बताइए थोड़ा सा। हाँ जी हेलो, प्रेगनेंसी का मेटाफोरिकल अर्थ क्या हो सकता है? नहीं उसको छोड़िए ना, आप उसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये बताता, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि फेनिंग प्रेगनेंसी, किस सिचुएशन में प्रेगनेंसी फेन करेगी और एम्बिशन एवरी पॉसिबल में है सर, तो अपनी बात मनवाने के लिए अपनी कोई चीज के लिए इस ढंग की अपने को बता सकती है। इसका इसका एक ही मीनिंग है, अब टाइम बहुत कम है मैं आपको बता दूं, जस्ट टू ब्लैकमेल अदर्स, जस्ट टू ब्लैकमेल अदर्स, कि एक रिलेशन में है लड़का लड़की रिलेशन में है ठीक है, अब लड़का ब्रेकअप चाहता है तो उसको वो ब्लैकमेल शुरू कर देती है कि मैं तो आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, फिल्मों में देखते हैं ना अक्सर, और डाइवोर्स डाइवोर्स का कहीं चक्कर पड़ता है इनफर्टिलिटी में, तो वो फिर कहती है कि मैं तो माँ बनने वाली हूँ, वो इसका एक ही मतलब है जस्ट टू ब्लैकमेल अदर्स, और इसका मीनिंग ही नहीं है फेलिंग प्रेगनेंसी का, ठीक है, दूसरों को ब्लैकमेल करने के लिए फेल करेगा प्रेगनेंसी को, फेल क्यों करेगी औरत, क्यों फेलिंग करेगी वो, सिर्फ टू यूज अदर्स, टू ब्लैकमेल अदर्स, वो उससे कुछ निकालना चाहती है, वही अप्लाई एवरी पॉसिबल मीनिंग बात बात आ जाती है। यस सर एंबिशन तो वही है उसका ना। हाँ हाँ एंबिशन वही है, एंबिशन उसका वही है ठीक है ना, तो वो कोई भी तरीका अप्लाई कर सकती है, और डिल्यूजन बेल्थ ऑफ डिल्यूजन डिस्टिंग्यूस्ड हीज, जैसे हमने वो उल्टी वाला पेशेंट बताया था, इगोटिज्म फॉपिशनेस डिल्यूजन प्रिंस हीज, मतलब इसमें रैंक तो बहुत है, उसमें ये लगता है कि मैं आई एम वेरी स्पेशल पर्सनैलिटी एंड अदर शुड कंसिडर मी एज वेरी स्पेशल, वेल्थी विशेज टू बी considered as rich man, उसमें तीन drugs रह जाती है, wishes to be, तो हम patient को कैसे समझते हैं कि, मैं अक्सर एक सवाल पूछता हूँ जो आप ही ऐसे सवाल करने चाहिए मरीज से जो घूमने फिरने वाले लोग हैं, कि आपको parties attend करनी कितनी अच्छी लगती है, आप marriage वगैरह में जाते हैं कितना अच्छा लगता है, तो जिन लोगों को अच्छा लगता, तो फिर मैंने उसको एक थोड़ा और सवाल पूछता हूँ कि मैरिज में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो आपको सबसे अच्छा इवेंट क्या लगता है मैरिज में, सबसे आपका फेवरेट इवेंट क्या लगता है? अब सल्फर वाला होगा तो उनको ड्रेसेस अच्छी लगेगी, अगर फ्रेंड्स को मिलने वाला फास्फोरस होगा तो उसको फ्रेंड्स को मिलना अच्छा लगेगा, अगर कलकेरिया वाला होगा तो उसको खाना पीना अच्छा लगेगा, अगर लैक्सेस होगा फास्फोरस होगा सल्फर होगा तो उसको स्टेज प्रोग्राम भी अच्छे लगेंगे, बहुत सारे इवेंट्स हैं। और एक सवाल पूछने से हमारी कितनी बातें क्लियर हो जाती है, कई बार मरीज समझ नहीं पाते कि हम क्या पूछना चाहते हैं, फिर हम उसको थोड़ा एक आइडिया देते हैं कि मैरिज में ये चीजें होती है, नए कपड़े मिलते हैं, खाना पीना अलग से होता है, दोस्तों का मिलना होता है, रिश्तेदारों का मिलना होता है, तो उसमें से कई बार बहुत सारी मेडिसिन बहुत सारी सिचुएशन क्लियर हो जाती है कि मरीज कैसे बताता है। अब लेक्सिस वाला जाएगा तो दोस्तों से मजाक करेगा, दारू पिएगा और सीधा स्टेज पे जाएगा, क्योंकि उसको उसको म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, उसको अम्यूजमेंट बहुत अच्छी, अम्यूज सिचुएशन
को अम्यूज करना बहुत अच्छा लगता, तो ये लेक्सिस वाली सिचुएशन हो जाती है। तो ब्रेट्रम में अलग जो है, लेक्सिस से अलग है ये सभी मेडिसिन के, वो ब्लैकमेलर है, वो कैसे भी किसी को मैनिपुलेट करके अपनी अपना जो अम्बिशन अचीव करने की कोशिश कर सकता है। और इसका जो सेक्सुअल पार्ट है वो भी बहुत उसके जैसा ही है, सेक्सुअलिटी है जो उसकी, उसमें हम अगर रिब्रिक्स लगाते हैं तो लेसिवियसनेस, अमेटिवनेस, एमोरस, शेमलेसनेस, अडल्ट्रेस, नेकेड वांट्स टू बी, निम्फोमेनिया, लायर, एंड ये सारी चीजें जो इसका जो मिलती है इसमें। ऑनर सेंस ऑफ नो, ये सिचुएशन एक कॉन्ट्रेरी सिचुएशन आती है सभी मेडिसिन में। ऑनर हैज नो सेंस, ही इज सो शेमलेस व्हाट ही इज डूइंग, ही इज लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट सोसाइटी। और एक सिचुएशन आ जाती है वो सोसाइटी के लिए कुछ भी, जब हाई स्पिरिटनेस उसकी आती है तो वो सोसाइटी में रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो पेशेंट कैसे कैसे, जो ब्रेटन में, ब्रेटन का हम कैसे समझते हैं प्रैक्टिकली, अगर आप उससे 500 रुपया मांगेंगे तो वो पूरा पर्स निकाल के आपके सामने 50,000 नोट भी निकाल सकता है सिर्फ दिखाने के लिए। अगर ब्रेनिया से आप पैसे मांगेंगे तो ही सो अगर वो चीजें, ये चीजें शो नहीं करना चाहता, तो वो उतने ही पैसे जितने उसको पता है कि इतने पैसे लगेंगे उतने पैसे वो अलग से पॉकेट में लेके आएगा। आर्सेनिक वगैरह, ब्रेनिया वगैरह जो एवरेस्ट पर्सनैलिटी है, और जो छोई पर्सनैलिटी है वो दिखाएंगी अपना, अगर 1,000 रुपए का बिल देना तो वो पूरे के पूरे जितने पॉकेट में अपना पर्स है वो निकाल के दिखाएंगी सिर्फ अपनी पोजिशन दिखाने के लिए। तो ऐसे ही हम मरीजों की ऐसी हरकतों से हम समझने की कोशिश करते हैं। और फोपिशनेस है वो कॉस्टली ड्रेसेस, मैरिज में जाके वो ऑर्केस्ट्रा चल रहा है तो वो पैसे बहुत फेंकेगा, बेशक उधार ही मांग के लेके गया, बाद में बेशक कुछ भी, उसको रिमोर्स भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसी हरकतों से ऐसे मरीजों की समझ आ जाती है कि हम कैसे कैसे पकड़ सकते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन होती है। वेरी अफेक्टेड पर्सनैलिटी, कर्सिंग, स्विरिंग, अफेक्टेशन, ये बहुत कॉमन, हिपोक्रेसी, वेरी बिग हिपोक्रेट, लोगों को प्रेस करने के लिए कुछ और कहेगा और अंदर से कुछ, उसकी अंदर की जो परिवार से पूछोगे तो वो बिल्कुल आपको डिफरेंट पर्सनैलिटी मिलेगी। ये ब्रेटन की खेल है। और कुछ डॉक्टर संजय? हाँ, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने इतना वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ हमको समझाया सभी रूब्रिक्स को, और सभी जो सदस्यों ने जिसको अटेंड किया धन्यवाद। साथ ही इस कार्यक्रम की सूत्रधार डॉक्टर राशि अग्रवाल जी का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जो उसमें जिन्होंने सूत्रधार की इस कार्यक्रम के लिए रचना की, और अपने सहयोगी डॉक्टर अशोक जी का भी मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। साथ ही डॉक्टर शशांक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को होस्ट कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम की समाप्ति होती है। आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद, अगले कार्यक्रम के लिए तब तक विदा, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।